उसके बारे में क्या हुआ देखिए इस पर जेन पर चीज को हमें पाकिस्तान एलम दी ज्यादा है महंगी नहीं लगती इसमें बैल्ट लगता है इसमें बैल्ट की कमी ज्यादा होगी शायद जब हमने लड़ाई लड़की उनको पराजित आपका क्या था उस टाइम पे अभी क्या है कैप्चर करेंगे और आसानी से इसीलिए हमको ये ऑब्जेक्ट दिया खेल के लिए अगरतला अखौड़ा रास्ते को कब्जा करके रास्ता खोलने का कमान में झारखंडी पर हिस्से का निर्णय लिया नहीं था पाए और उन्हें एक गोली लगी परंतु अपने जवानों को आगे बढ़ा दो जवान घायल हुए 12 जवानों को भर्ती घाट तथा अन्य कर दी सारे कैदियों को बाद 14 को से जानते हैं वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था पाकिस्तान का हिस्सा था 1971 में जब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वार लड़ी तो तब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो
पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश बना। आज के प्रोग्राम का यही मकसद है कि हम जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स 1971 के वार में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की याद में अब मैं बुलाना चाहूंगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में हुई थी, और इसमें जो आर्मी की तरफ से 12 कमाओ की तरफ से आज एक मूवी भी दिखाई गई कि जिसमें 71 वार की जो एक्टिविटीज़ थी वो दिखाई गई, और उसके साथ साथ और जो 12 कमाओ ने उस वक्त के पाकिस्तान से हथियार कैप्चर किए थे वो भी आज बच्चों को दिखाए गए। और हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम अपने इलाके की अवेयरनेस के लिए जो भी हमारे देश ने आज तक किया है वो हमारे बच्चों तक पहुंचे और उनको इसमें अवेयरनेस किया जाए। 1971 में एक वार हुई थी जो इंडिया व ईस्ट पाकिस्तान, जो हम बांग्लादेश के नाम से आज जानते हैं, ये वार में हमें इस आज आर्मी के सोल्जर्स ने बताया कि ये वार कैसे हुई थी और हमारे कितने शहीद, हमारे इंडियन आर्मी कितने शहीद हुए थे। वहाँ के जो ओल्ड वेपन्स वगैरह जो थे उन आर्मी मेंबर्स ने यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए अंदर, तो हमें उनको वेपन्स भी बताया। यहाँ उपस्थित मीडिया हाउस के तमाम जेंटलमैन, यहाँ जो उपस्थित हुए सारे बच्चे और यहाँ पे जितने भी लोग सारे नेबर्स, सबसे पहले आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज विजय दिवस सेलिब्रेशन के लिए मुझे आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले इनवाइट किया। और दूसरा मुझे खुशी ये बात की है कि जब मैं यहाँ पे आया तो पूरा तमाम जो ऑडियंस यहाँ पे थे, हमारे लेडीज और बच्चे इस ठंड के मौसम में भी स्ट्रगल करके आप यहाँ पे आए, इतने अच्छे मोटिवेटिंग
नेशनल पैट्रियोटिक सॉन्ग्स आप लोगों ने गाए, उसके लिए बहुत बहुत शाबाश और थैंक यू कहना चाहूँगा। तो बच्चे, सबसे पहले आज हम यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए, आते मैंने आपको ये सवाल पूछा था, तो वो पहले हम जानने का कोशिश करेंगे। तो वो मैं आपको तीन भाग में बताऊंगा। पहले संक्षेप में ये बताऊंगा कि इंडियन आर्मी ने क्यों 1971 के लड़ाई पे पार्टिसिपेट किया था, और मैं गर्व से कहूंगा कि हमारा पलटन जो आपके यहाँ बगल में बारह हुआ, जो नया नया यहाँ पे, हमारे पलटन ने भी 1971 के लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था बांग्लादेश में, तब ईस्ट पाकिस्तान था। दूसरा, मैं आपको एक वीडियो विद साउंड रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा जिसमें हमारे पलटन ने कैसे पार्टिसिपेट किया और लड़ाई कैसे लड़ी गई, उसके बारे में बताऊंगा। और थर्डली, फिर आप लोगों को वहाँ पे उस लोकेशन पे लेके जाऊंगा जहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले कर रखा है। एक तो उस टाइम पे जो पाकिस्तानी कैप्चर्ड वेपन हम लोगों ने जो उस टाइम पे कैप्चर किया था, तो कुछ एक वेपन्स हमने अपने मेमोरी के लिए, अपने वाटर गार्ड बोलते हैं हम उसको, या म्यूजियम बोल सकते हैं आप लोग, वहाँ पे हम लोग हमेशा डिस्प्ले करके रखते हैं। और उसके साथ साथ आज के ज़माने में आधुनिक जो हमारे पास हथियार है उसके बारे में जानकारी के लिए वहाँ पे डिस्प्ले किया है। अंडरस्टूड? तो ये तीन पार्ट्स में मैं आप लोगों को आज का जो भी हम इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है? तो टू स्टार्ट विथ, 1971 वॉर किसने लड़ा गया? कोई भी देश हो, सबसे पहले जंग लड़ना नहीं चाहता है कि नहीं? आप चाहते हो आज के दिन पे? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी लड़ाई लड़ा जाता है उसमें बहुत नुकसान होती है, जान की, माल की, इकोनॉमिकल जो हम लोग एडवांसमेंट होता है, पर जो भी देश का वो रुक जाता है, स्थगित हो जाता है, क्योंकि यू नो कॉलोसल अमाउंट ऑफ उसमें आप एक्सचेकर के ऊपर बर्डन आ जाता है।